जैसे हम लोग आप लोग सारे सेवा कर रहे हैं यहाँ पे है, वैसे अगर सरकार अगर रोड पे उतर जाए ना तो बहुत कुछ कर सकती है, बट सारे अपने अपने घर में बैठ के बातें करने लायक हैं बस। जब तक इमरजेंसी नहीं हुई हम घर से नहीं निकले, जब इमरजेंसी हुई तो हम ताया जी को लेकर निकले होली फैमिली हॉस्पिटल। इमरजेंसी में गए, उन्होंने देखने तक से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि हमारे पास जगह नहीं है, और वाकई किधर ना किधर उनके पास जगह नहीं थी। ठीक है, फिर उसके बाद हमें कोई वहाँ पे प्रेमी मिले हैं जिनका जो सेवा के लिए खड़े हुए थे, उन्होंने बोला कि आप ये अलशिफा हॉस्पिटल आ जाओ। हम अलशिफा हॉस्पिटल आए हैं है, अब अलशिफा हॉस्पिटल में उन्होंने भाई रिक्वेस्ट की है, तो वो अलशिफा वाले किधर ना किधर बेड का अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली दे विच किसी मरीज दे लई ऑक्सीजन बेड या सिलेंडर लभना काफ़ी मुश्किल है। जदों सुरेंद्र सिंह की हालत गंभीर होंदी गई तो उन्होंने परिवार वालिया ने उन्होंने हस्पताल लैके जाना चाहिया, पूरा संघर्ष किया कि कोई बैड मिल जाए, पर अंत दे विच उन्होंने अपना मरीज घर ही लैके जाना पिया। डॉक्टरां ने चेतावनी दी कि मरीज बिना वेंटीलेटर तो जी नहीं पाएगा, पर हुण ओ काफ़ी ठीक ने। परिवार का कहना है कि बेड पाउन दे लई ओ जो भी कर सकते सी उन्होंने किया। उन्होंने दिन की शुरुआत ऑक्सीजन सिलेंडर लैन दे लई लंबी कतारा दे विच लगन दे नाल हुंदी है, पर फिर भी कुछ हासिल नहीं हुंदा। सरकार रोड पे आ जाए ना काम करने के लिए, जैसे इलेक्शन में आती है, तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। किसी को इतना ये जो हाईलाइट हो रहा सब कुछ, ये कुछ भी नहीं होगा। एक हफ्ते बाद भी हस्पताल दे विच मरीज नू बेड नहीं मिल पाया।